friends, welcome to my channel Aviation Dreamers, and here is your friend Paresh. And basically friend, as all of you know that in today's videos I want to discuss about the requirement qualification of a ground staff. So many times you guys are messaging me, you guys are comment on my videos, you guys are asking me that sir, what is the exactly qualification for a ground staff? And also many times you are asking me that sir, is it important to complete my graduation for applying as a ground staff? So friends, मेरे answer के हिसाब से मैं आप लोगों को बोलूँगा yes, ये बहुत important है. So friends, as all of you know that कि मेरा video में हमेशा मैं आप लोगों को supporting answers, supporting means आपके aviation की job related सारे supporting video बनाते आ रहा हूँ. तो उसी हिसाब से कि यहाँ पे मैं फिर से आप लोगों को discuss करना चाहता हूँ कि दो type की companies हम लोग देखते हैं. जैसे कि एक ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी, एक है डायरेक्ट एयरलाइंस. मींस डायरेक्ट एयरलाइंस की लिस्ट में कौन कौन होता है? इंडिगो, स्पाइसजेट, गो एयर, जितने सारे हम लोगों का डोमेस्टिक एयरलाइंस है बेसिकली, एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस भी हो सकते हैं. बट डायरेक्ट मींस हम लोग जब काम करेंगे डायरेक्ट एयरलाइंस की पेरोल में होंगे, ठीक है. तो ये सारे स्टाफ होते हैं डायरेक्ट स्टाफ एयरलाइंस की. और अगर हम लोग कोई थर्ड पार्टी कंपनी जैसे कि BWFS, सेलेबी या एयर इंडिया सैट्स या भद्रा इंटरनेशनल, इस टाइप के कोई भी कंपनी में हम लोग अगर जॉब कर रहे हैं तो इसमें और अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें क्या कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए इन लोगों को बेसिकली. सो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो बेसिकली फ्रेंड, हम लोगों को पता है कि 10+2 से मीन्स HS कंप्लीट करने के बाद भी हम लोगों को जॉब मिलता है ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी में, और हम लोग अगर ग्रेजुएशन करते तब भी मिलता है ग्राउंड हैंडलिंग पे. एंड कभी काफी बार आप लोगों को कमेंट के रिप्लाई भी मैंने दिया था कि आप लोगों को मिलेगा HS की बात भी. सो मैं टॉपिक को दो वे पे डिवाइड कर दूंगा, एंड दो वे में एक है ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी की रिक्वायरमेंट, एक है आपके डायरेक्ट एयरलाइंस की रिक्वायरमेंट, ठीक है. सो यहां पे मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं पहले डायरेक्ट एयरलाइंस की. सो फ्रेंड्स, आप लोग अगर डायरेक्ट कोई एयरलाइंस जैसे इंडिगो, स्पाइसजेट में चांस लेना चाहोगे तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन तो मस्ट है. विदाउट ग्रेजुएशन इवन आप इंटरव्यू देने के लिए भी नहीं जा सकते हो. सो इसलिए जो लोग ग्रेजुएट हो वो बहुत अच्छे हैं. एंड जो लोग आप लोग मुझे बोलते हो कि सर मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, फाइनल ईयर में भी सेकेंड ईयर में हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अभी ग्राउंड हैंडलिंग के लिए अप्लाई करूँ या क्या करूँ, तो आप लोगों को मैं बोलूंगा फ्रेंड थोड़ा सा आप पेशेंस रखो एंड आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिए. देन क्या होगा, आप डायरेक्ट ग्राउंड हैंडलिंग की CS पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो. एंड आपके इन फ्यूचर ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी एज ए ग्राउंड स्टाफ इन फ्यूचर आपके करियर बहुत सिक्योर हो जाएगा, ठीक है. लेकिन दूसरे साइड में अगर हम लोग ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी जैसे BWFS या दूसरे एयर इंडिया सैट्स या सेलेबी, इसका बात अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे आप एंट्री लेवल मींस मैंने बोला था कि यहाँ पे एक जूनियर पोस्ट भी होते हैं, जूनियर CS है, तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो एज ए जूनियर CS है. एंड आपके उस टाइम पे आपके 10+2 भी होगा तो चल जाएगा, ठीक है फ्रेंड. लेकिन आप लोग अगर ज्वाइन कर लेते हो लेकिन उसके बाद तो आपको प्रमोशन की जरूरी है कि प्रमोशन चाहिए, मुझे करियर बनाना है, तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा. तो इसलिए जो लोग एविएशन में जॉब कर रहे हो ऑलरेडी एंड जो लोग करना चाहते हो, सबको मैं बोलूंगा अगर आप लोग इमीडिएट ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए. इट्स मे बी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी, इट्स मे बी ए डायरेक्ट एयरलाइन. करने के बाद आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना ही है. मे बी आप ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे हो लेकिन आपको ग्रेजुएशन मस्टली कंप्लीट करना ही है, क्योंकि विदाउट ग्रेजुएशन आपके प्रमोशन नहीं मिलेगा. मे बी आप 10+2 के साथ आपने ज्वाइन किए थे, उसके बाद आपका प्रमोशन मिला है, CS बन गए आप, आपके एक्सपीरियंस की पावर से आप CS बन गए हो, ठीक है. लेकिन उसके बाद जो प्रमोशन होते हैं CSA की मीन्स जूनियर CSA, देन आपके सीनियर CSA पोस्ट में आपको प्रमोट किया जाता है, देन आपको प्रमोट किया जाता है टीम लीडर, देन आपको प्रमोट किया जाता है सुपरवाइजर में, देन आपको प्रमोट किया जाता है असिस्टेंट ड्यूटी मैनेजर, देन ड्यूटी मैनेजर. तो ये सारे प्रमोशन आपको नहीं मिलेगा, आपके प्रमोशन सीनियर CSA तक आके वो बंद हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग
करियर सिक्योर या करियर की जो हम लोग बोलते हैं इन फ्यूचर क्या ग्रोथ मिल सकता है, आपके इतना ग्रोथ नहीं मिलेगा, नहीं मिलने वाले है। तो फ्रेंड आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मे बी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की बात ज्वाइन कीजिए, मे बी आप आपके जॉब मिलने की बात भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या करना है। तो आपके पास मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ये ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए। एंड जो लोग पढ़ाई छोड़ चुके हो, जो लोग पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दिए हो, उन लोगों को मैं सजेशन दूंगा कि आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी में ट्राई कीजिए। एंड ज्वाइन करने के बाद जब आप जॉब कर रहे हो उस टाइम कोई ओपन यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन करवा लीजिए एंड आपके ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कीजिए। क्योंकि ग्रेजुएशन एक बहुत बड़े चीज होते हैं। आपके पास अगर एक डिग्री रहेगा देन ये आपके बहुत सपोर्टिव रहेगा। एंड आप लोगों का कुछ क्वेश्चंस था एंड मे बी आप लोगों के पास क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर केबिन क्रू में अप्लाई करने के लिए 10+2 चाहिए बट ग्राउंड स्टाफ के लिए क्यों ग्रेजुएशन चाहिए। ये बहुत एक वैलिड क्वेश्चन है एंड इसका आंसर मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। एंड आई थिंक कि वो वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प कर देंगे ये क्वेश्चन के आंसर मिलने के लिए। एंड आज की वीडियो फ्रेंड इतना ही आप लोगों को बोलने के लिए मैंने वीडियो बनाया था। सो बेसिकली फ्रेंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। एंड आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड इफ यू थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज शेयर दिस वीडियोज टू एवरी वन हु वॉन्ट्स टू ज्वाइन इन एविएशन इंडस्ट्री। एंड गाइज Still, if you are not subscribed my channel, please subscribe my channel. And if you have any confusions, if you have any video requests, if you have any doubts, then go to the comment box and comment me. You can also message me on my Facebook page. Go to my Facebook page, PB Dreamer, and message me there. I will definitely reply you with a positive response. So thank you very much, guys. Thank you for being with my channel.